किन्नर समाज के बारे में अक्सर लोग की जिज्ञासा बनी रहती है। अक्सर किसी मांगलिक अवसर या सड़कों और ट्रेन में मिलने वाले ये किन्नरों कहाँ रहते हैं, क्या इनका भी होता है विवाह, इनके देवी देवता कौन होते हैं, ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर किसी किन्नर को देखते ही हमारे मन में कौंधने लगते हैं। आइए जानते हैं किन्नर समाज से जुड़े वो सच जिसे आप अभी तक अनजान थे। नंबर वन, राम से मिला था आशीर्वाद। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए थे लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर टू, किन्नरों के भी होते हैं गुरु। किन्नर समुदाय में भी गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन पूरी तरह होता है। किन्नर समुदाय का गुरु भी खुद पैदाइशी किन्नर होता है। मान्यता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मौत कब होगी। किन्नरों की मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। कुंभ मेले में भी किन्नर समुदाय विशेष रूप से शामिल होते हैं। वैसे तो देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना एक अलग से अखाड़ा बना लिया है जिसकी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। नंबर थ्री, किन्नर भी करते हैं विवाह। किन्नर समाज में किसी नए सदस्य को शामिल करने के भी नियम है। मसलन किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। वही आम लोगों की तरह किन्नर समाज भी वैवाहिक बंधनों में बनते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव आरावन से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के आरावन देवता की मृत्यु के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। नंबर फोर, न ले कभी बद्दुआ। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ मोल ले, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि यदि आप खुश न कर सके तो कभी उन्हें नाराज न करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहन करना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आइएगा। नंबर फाइव, इन चीजों का कभी न करे दान। किन्नरों को दिया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, लेकिन ज्योतिषविदों के मुताबिक किन्नरों को दिए गए दान से जहां किस्मत संवरती है, वही उनके कुछ वस्तुओं का दान आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो कभी भूलकर भी किन्नरों को स्टील का बर्तन, पुराने कपड़े, तेल और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं दान में न दें। किन्नरों को दिया गया ऐसा दान न सिर्फ आपके घर में दुर्भाग्य लाएगा बल्कि परिजनों की सेहत पर भी बुरा असर डालेगा। नंबर सिक्स, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। यदि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही है और आप अपने अनमोल रिश्ते को पटरी में लाना चाहते हैं तो किन्नरों से जुड़ा यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चूंकि किन्नरों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए सुहाग की सामग्री दान में दे। जीवन साथी के साथ आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र और मेहंदी का दान भी कारगर माना गया है। नंबर सेवन, धन संबंधित दिक्कत को दूर करने के लिए। यदि खूब मेहनत करने के बावजूद आपसे लक्ष्मी रूठ गई है तो आप बुधवार वाले दिन किसी किन्नर के हाथ में पूजा की सुपारी के ऊपर सिक्का रखकर दान दें। यह उपाय धन के आगमन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करके आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे किन्नर समुदाय के बारे में और किन्नरों के आशीर्वाद के बारे में।
मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर हमेश किन्नरों को अपनी यथाशक्ति दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।